हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आज आपके लिए एक वीडियो और लेकर के मैं आया हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे पास एक रेडमी का लेटेस्ट हैंडफोन है, जो कि आप देख सकते हैं, रेडमी नोट 9 प्रो। आप ये मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पर। तो ये रेडमी का नोट 9 प्रो है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये इस फ़ोन की पैटर्न किसी यूज़र ने भूल गए हैं, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, इसका पैटर्न जो है भूल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा, आप देख सकते हैं सिंपली तरीके से, और ये रेडमी का नोट 9 प्रो है फ्रेंड्स। तो इसका पैटर्न हम इसका रिमूव करेंगे, बहुत इजीली तरीके से रिमूव करेंगे। ये भी लेटेस्ट का हैंडफोन है, इसका मॉडल नंबर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, M203J6A1L। तो ये इसका मॉडल है, जो कि लेटेस्ट हैंडफोन है ये रेडमी का फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसका पैटर्न किसी यूज़र ने भूल चुका है या फिर जो भी है, तो इसके पैटर्न को बहुत इजीली तरीके से हम यहाँ पे रिमूव करने वाले हैं। तो देख सकते हैं इंटरियर पैटर्न, तो ये इसमें पैटर्न लगा हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाते हैं। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इसको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसको हार्ड रिसेट करेंगे। हार्ड रिसेट करेंगे फ्रेंड्स, तो ये सिंपल तरीका ये है कि इसमें अगर कोई लॉक नहीं लगा होगा, जैसे FRP या गूगल अकाउंट या MI अकाउंट, तो हम इसे सिंपली, इसे हम बता रहे हैं फ्रेंड्स आपको, इसे आपको हार्ड रिसेट करना है। तो हार्ड रिसेट के लिए मैं यहाँ पर इसको ऑफ़ करूँगा, प्रॉपर तरीके से फ़ोन को ऑफ़ करूँगा, और उसके बाद का प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको करके दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। फ़ोन को हमने ऑफ़ कर दिया प्रॉपर तरीके से। अभी इसकी पावर की और ये इसकी फ्रेंड्स वैल्यूम अप, पावर की वैल्यूम अप को आपको एक साथ प्रेस करना है। आपको पावर की, ये इसका पावर की है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी पावर की है और इसकी वैल्यूम अप, इन दोनों को आपको प्रेस करना है और ये रिकवरी मोड पर चला जाएगा फ्रेंड्स। तो हम ये वैल्यूम अप और पावर की को एक साथ प्रेस करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, जैसे ही यहाँ पे Redmi लिख करके आ जाएगा, तो आपको फ्रेंड पावर की को छोड़ देना है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये रिकवरी मोड पे चला गया है। आप देख सकते हैं Redmi रिकवरी 3.0। अब इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है फ्रेंड्स, वैल्यूम डाउन दबा करके आपको वाइप डाटा करना है। वैल्यूम डाउन दबा के आपको फ्रेंड्स वाइप डाटा करना है, क्योंकि ये लेटेस्ट हैंडफोन था, इसलिए मैंने सोचा आपको यहाँ पे वीडियो बना दूँ। आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पे भी डायरेक्शन आपको देते हैं, यूज़ वैल्यूम टू सेलेक्ट योर अप डाउन योर पावर की इज़ द कन्फर्म, मतलब आपको सेलेक्ट करना है तो आपको पावर की को प्रेस करना होगा। अब यहाँ पे लिख रहा है फ्रेंड्स, आप अगर धोखे से यहाँ पे आ गए हैं तो बैक टू मेनू में आप जा सकते हैं पावर की प्रेस करके। तो हमें इसका वाइप डाटा करना है फ्रेंड्स, तो इसका वाइप डाटा हम करेंगे तो इसको पावर की को हम प्रेस करेंगे। तो हम पावर की को प्रेस कर रहे हैं। अभी आपसे पूछ रहे हैं कंफर्म आपका डाटा हटाना है या डाटा इसका नहीं हटाना है, तो आप देख सकते हैं हमें इसका डाटा हटाना ही है, तो हम इसे कंफर्म कर देंगे। और इसका ये देखिए वाइप डाटा होना चालू हो गया है, मतलब ये देखिए 100% हमारा सक्सेस हो चुका है। मतलब जो हमारा पैटर्न लगा था फ्रेंड, तो वो पैटर्न हमारा इसमें रिमूव हो जाएगा बहुत इजीली तरीके से, आप देख सकते हैं। तो इसको हम बैक टू मेन्यू पे करेंगे। बैक टू मेन्यू के बाद अभी हमारा वाइप डाटा हो चुका है। अब इसके बाद हमें सिंपली रिबूट पे क्लिक कर देना है, और इसे रिबूट टू सिस्टम आपको वही वो कर रहा है, तो रिबूट टू सिस्टम पे हम क्लिक कर देंगे। अभी फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब देखते हैं कि हमारा फ़ोन फॉर्मेट हुआ कि नहीं। ये लेटेस्ट हैंडफोन था रेडमी का, मैंने इसलिए आपको करके यहाँ पर दिखाया फ्रेंड्स। ये रेडमी का नोट 9 प्रो है, जो कि अभी मार्केट में लेटेस्ट चल रहा है अभी। तो इसका ही अनलॉकिंग हम आपको यहाँ पे करके दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। और इसके पैटर्न बहुत इजी तरीके से रिमूव हो जाएगा। और इसके होने के बाद फ्रेंड्स, इसमें FRP लग सकता है या इसमें कोई MI अकाउंट लगा होगा, तो MI अकाउंट भी लग सकता है। तो इसका MI अकाउंट, अभी ये ऑनलाइन फ़ोन है तो इसका MI अकाउंट भी मैं ट्राई करूँगा आपके लिए, MI अकाउंट इसका ले करके आने के लिए, कि इसका MI अकाउंट इजी तरीके से रिमूव हो पाता है कि नहीं फ्रेंड। तो अभी जितना आपको हमने दिखाया है, तो इसकी FRP अगर इसमें लगती है फ्रेंड, तो इसकी FRP जस्ट इसके 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद मैं इसकी Redmi Note 9 Pro की एक FRP भी डाल दूंगा, जिसमें आप बहुत ही ईजली तरीके से इसकी FRP हटा सकते हैं चुटकी में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपका कमेंट अच्छा आएगा तो मैं इसका Redmi का FRP पे भी वीडियो एक बना दूंगा। बट अगर अभी आपका, मेरा मेन मोटिव था इसको अनलॉकिंग करना फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे भी, तो इसको आप सिंपली तरीके से फॉर्मेट करके, ये हमारा वही फ़ोन है, तो आप इसको बहुत इजीली तरीके से हटा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बूट करने में, जब हमारा कोई वाइप होता है, डाटा हमारा डिलीट होता है फ्रेंड, तो ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड। और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लाइव ही करके दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी हाइड नहीं है जो कि आपको न बताया जाए। तो सिंपली तरीके से आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं।
तो इसमें थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा फ्रेंड्स। तो ये आपका हार्ड रिसेट था, हार्ड रिसेट। अभी देखते हैं कि जॉब डन हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स, तो फिर भी हम यहाँ पे आपको करके दिखाने वाले हैं। तो बस थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंड्स बूटिंग होने में, और जैसे हमारा बूट हो जाएगा तो आपको हो जाएगा। बट ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, मतलब फ्रेंड्स हमारा जो डाटा था, हमारा जो पैटर्न था, वो हमारा डन हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं MIUI 11 आ चुका है, तो इसका जो डाटा था, इसका जो पैटर्न था, वो रिमूव हो चुका है। अब ये यहाँ पे हमारा पैटर्न रिमूव करना ही था फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूँ यहाँ पे। अब इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा और आगे बढ़ा के आपको चेक करूँगा कि क्या इसमें FRP लगती है कि नहीं लगती फ्रेंड। तो नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं इंडिया, इंडिया पर सेलेक्ट रहने देंगे। तो ये हमारा वाइफ हो चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से ये हमारा वाइफ हो चुका है। अब इसे हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो फ्रेंड्स इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि यूज़र अपना जीमेल अकाउंट उसे याद रहता है, तो अगर उसमें जो इसका जीमेल अकाउंट था आप डाल देंगे तो फ़ोन हमारा प्रॉपर तरीके से ऑन हो जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है यूज़र्स को अपना जीमेल भी नहीं पता होता है, तो ये फ़ोन हमारा गूगल अकाउंट मतलब FRP पे चला जाएगा। और FRP हटाने के लिए आपको फ्रेंड्स, आपको या तो आप UMT या तो मिरेकल या तो और भी किसी टूल का यूज़ आप कर सकते हैं। तो ये हमारा फिंगर, इसे भी हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको सिंपली सेटअप पे करना है। तो फ्रेंड्स अब ये FRP पे होगा, तो ये FRP पे चला जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम अभी जो वीडियो बना रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा अनलॉकिंग का वीडियो है। ये हमारा पैटर्न अनलॉक करने का प्रोसीजर आपको हमने बताया है कि आप इसको हार्ड रिसेट भी कर देंगे तो MI का जो Note 9 Pro है वो आपका हार्ड रिसेट हो जाएगा फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसमें FRP लगी होगी तो ये बैक हो जाएगा। और यहाँ पर बहुत से लोग ये भी नहीं समझ पाते कि ये क्या है, तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं ये आपका नॉट सिंग इन, मतलब ये आपका गूगल अकाउंट पे रुक गया है। और ये फिर से जैसे हम सेटअप पे करेंगे तो ये फिर से ऑन हो जाएगा, मतलब ये आपको अगर आप उसमें गूगल अकाउंट डालेंगे तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। बट फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, अगर इसमें आपका जीमेल अकाउंट आपका पता है तो आप जीमेल डाल देंगे तो आपका फ़ोन फिर भी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा मेन मोटिव था कि यहाँ पर आपका फ़ोन को पैटर्न अनलॉक करना, जो कि इसका पैटर्न अनलॉक हो चुका है। अब ये FRP पे हो गया है, तो फ्रेंड इसकी FRP आप बहुत ही ईजली तरीके से हटा सकते हैं। और चलिए मैं आपको इसकी FRP बाईपास करके और यहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा कि FRP बाईपास कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा कि इसकी FRP बाईपास कैसे करते हैं। अगर ये UMT और मिरेकल और किसी एनी डोंगल से ये होता है ऑफलाइन, तो हम वो भी आपको बहुत ही बेसिक तरीके से दिखाएंगे कि इसकी अनलॉकिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।